तुम्हें पैदा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं पापा, मुझे इकलौता बेटा मानना ये आपकी गलती थी। युवराज, युवराज, तुम अपने बापूजी से, मोटी बासे और अपने परिवार से इस तरह से व्यवहार करोगे, वो भी इस 2 टके की कोठे वाली के लिए, जिसकी ना तो इस समाज में इज्जत है और ना जगह। तुम के लिए मामा, वो पहले कजरी थी पर आज वो पवित्रा है, तुम्हारे बेटे की पत्नी और इस घर की बहू। इसलिए प्लीज उसके साथ इस तरह से बात मत करो। पवित्रा का पूरा हक बनता है कि वो इस घर में रहे, और मैं भी अब 1 मिनट भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। युवराज, ये एक कोठे वाली, इसने तुमसे अपनी असलियत छुपा कर रखी, तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली, सिर्फ इसलिए कि इस शहर के सबसे अमीर और नामचीन गरोड़िया परिवार में शामिल हो सके। उफ मामा, 1 मिनट, लेट मी क्लियर। पवित्रा ने मुझसे कभी नहीं छुपाया कि वो एक कोठे वाली, मैं तो सच्चाई पहले से ही जानता था। इनफैक्ट कोठे वाली कजरी को पवित्रा बनाने वाला मैं ही तो हूं। अरे प्रभु, ये क्या कह रहे हो? प्रभु, आज ही तो मैं सच कह रहा हूं। हाँ युवराज, तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया, जिस परिवार ने तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया, ये वही परिवार है। युवराज देखो, अपने परिवार को देखो, ये वही परिवार है जिसने अपने दोनों हाथों से तुम पर खुशियां लुटाई। तुमने अपनी माँ को धोखा दिया, क्यों किया ऐसा युवराज, तुमने क्यों किया ऐसा? बस सासू माँ, बस। बंद कीजिए अपना ये दिखावा। बाबूजी, जरा इनसे पूछिए तो सही, इस सारी प्रॉपर्टी युवराज के नाम करने का प्लान किसका था? किसने गलत पेपर्स पर सबके दस्तखत लेकर विल बदलने की सोची? पूछिए बाबूजी। बाप, कम से कम आप तो पूछिए अपनी छोटी और लाडली बहू से। बताइए मम्मी जी, किसने बनाया था ये मास्टर प्लान? मेनका, तुम भी? मेनका बहन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इस घर में कदम रखते ही मैंने घर की और तिजोरी की चाबियां सावित्री से लेकर तुम्हारे हाथ में सौंपी थी। क्या वो कम था इसलिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ी? तुम मेरी नजरों से उतर गई हो मेनका। वो मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि ये सारी जायदाद युवराज के नाम हो जाए। मुझे क्या पता था कि ये कोठे वाली को भी इस घर में ले आएगा। वाह सासू माँ वाह, ये आपने बहुत अच्छा किया कि अपने ही मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकती। नहीं नहीं, सारी गलती मेरी है मेनका। समझ जाना चाहिए था मुझे, बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि मैं अपने ही आस्तीन में सांप पाल रहा हूं। ऐसे जहरीले सांप जिन्हें दूध पिलाओ तो पेट भरने के बाद उसी हाथ को डस लेंगे।
मेनका, रसिक, युवराज तीनों ने आज वही किया, वही किया आज। और मैं ये कैसे भूल गया कि युवराज तो तुम्हारा ही बेटा है। चोरी, मक्कारी, झूठ, फरेब की शिक्षा तो उसने तुम्हारी कोख से ही ली है। गलती की उस दिन जो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, निकाल देना चाहिए था तुम्हें भी इसके साथ घर से बाहर, तुम्हें भी और इस रसिक को भी। कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए युवराज, क्या नहीं किया? अपनी बेटियों के हिस्से का प्यार भी इस पर नौछावर कर दिया। सावित्री जैसी पत्नी को धुतकार कर तुम्हें प्यार दिया मैंने मेनका, तुम्हें प्यार दिया लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसी चीजें ज्यादा प्यारी हैं। संभालिए अपने आप को, संभालिए। ये सावित्री अभी भी आपके साथ है, मैं आपको टूटने नहीं दूंगी। संभालिए, संभालिए। तुम क्यों मन छोटा कर रहे हो? गलती तो मेरी थी ना, मैं वंश की फिक्र करती ना तुम मेनका से शादी करती ना ये दिन हमें देखना पड़ता। सुनकर बाप, बापूजी क्या हुआ? माँ क्या हुआ? दीदी आप लोग क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? लक्ष्मी सब बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बापूजी के साथ ये सब कुछ करने की? युवराज तुम्हें कोई हक नहीं बनता है बापूजी को ठेस पहुंचाने का। बापूजी हमें 100 जन्म लेने के बाद भी नहीं मिलेंगे युवराज। तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कान देखने के लिए बापूजी ने अपना सुख चैन अपना सब कुछ लुटा दिया। तुम्हारी हर बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर दिया युवराज। सॉरी लॉर्ड प्यार का तुमने ये सिला दिया है। लक्ष्मी तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और इनका मामला है। अगर ये अपनी पूरी जायदाद अपनी बेटियों के नाम करते हैं तो ये मैं कैसे सह लेता कि मेरा हक कोई छीन रहा है? एक बार कह के तो देखते मेरे भाई।
हम बहने हंसते हंसते अपना हिस्सा तुम्हें दे देते। हमारे लिए भाई का प्यार परिवार की खुशी ज्यादा मायने रखती है, जायदाद या पैसा नहीं। हमारे प्यार का बापू जी के भोले पर का तुमने ये सिला दिया है। क्यों? बस अब बंद करो तुम्हारा ये रोना धोना लक्ष्मी। अब इस घर की बहू होने के नाते मैंने कुछ फैसले किए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब उसे सुने और आज ही से अमल करें। क्यों युवराज? पवित्रा, इस करुड़िया निवास की राजकुमारी अब तुम हो, जैसा तुम कहो। हाँ, तो सब लोग कान खोलकर सुनिए। मेरे प्यारे ससुर जी यानी कि सूर्यकांत जी और प्यारी सासू माँ, मेरा मतलब है सौतेली सास सावित्री जी, हमारे इस पास वाले स्टोर रूम में रहेंगे। और परम पूज्य बा और मेरी प्यारी दो ननंद, आप लोग हमारे खूबसूरत से सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे और इस घर के नौकर रहेंगे घर से बाहर, क्योंकि घर वाले तो है ना। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है। इस घर के बेटा और बहू होने के नाते हमारा इतना हक तो बनता ही है। ए, बस पवित्रा, अरे तुम लोगों से अच्छे तो गली के कुत्ते होते हैं। एक टुकड़ा फेंको ना उसके सामने तो जिंदगी भर वफादारी निभाते हैं। जैसे कि आप पवित्रा, सूर्यकांत करोड़िया आज भी खुद्दार है, तुम जैसों के आगे नहीं झुकेगा और ना ही अपने परिवार को झुकने देगा। मैं आज अभी इसी वक्त अपने परिवार के साथ तुम्हारा यह घर छोड़ता हूं। सावित्री, सामान ले लो। चलो हल्की फुल्की। मेरी तो तबीयत बहुत खराब है। आप भाई से कहो ना अपने साथ साथ हमारे बारे में फैसला ना करें। हाँ, और अब इस वक्त और बेन की इस हालत में हम कहाँ जाएंगे? और फिर इन बाप बेटे की लड़ाई में हम लोग क्यों फंसे? हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। तुम लोग स्वार्थी और मतलबी हो, ये तो मैं जानता था, लेकिन इतनी गई गुजरी होगी ये मैं नहीं जानता था। कमीनेपन में तुम लोग इनसे भी गए गुजरे हो। हल्की, मेरी एक विनती है, मेरे आने वाले संतान को ऐसे संस्कार मत देना। बापूजी,
मैंने सब सुन लिया है लक्ष्मी। इस घर की बड़ी बेटी होने के नाते मेरा एक कर्तव्य अभी भी बाकी है। युवराज, ये थप्पड़ मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए नहीं मारा है, बल्कि तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए मारा है। किसी की भी वजह से मैं अपने परिवार पर आंच आते हुए नहीं देख सकती। युवराज, चलिए बापूजी, सुनिए सुनिए। नहीं 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 नहीं, तुमने मेरे इस परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, तुम्हें ये मिल गया ना। तुम रहो, तुम अपने अपने भाई, अपने अपने बेटे, अपनी साथ अपनी बहू के साथ रहो, यहीं रहो। लेकिन एक काम करना, अपने नाम से गरोड़िया हटा देना। मर चुके हो तुम लोग हमारे लिए, मर चुके हो। चलो सूर्यकांत। सरस्वती, लक्ष्मी, बच्चा,
एक मिनट रुकिए,